हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8 का है। लेसन है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो जो कैलकुलेशन करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है नंबर, उसे ही हम एक्स मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, उसे हमने एक्स मान लिया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन करना है इसके साथ, तो हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई 5/2 एंड एड, फिर ऐड करना है 2/3 टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इसकी बात करी है, जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक्स और 5/2 का, इस प्रोडक्ट की बात करी है, उसमें हमें ऐड करना है 2/3। ठीक है, यहां तक हो गया है। यू गेट, गेट का मतलब इक्वल टू -7/12, तो हमें क्या मिलेगा -7/12। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है, एक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमें उधर शिफ्ट करना होगा, उसके बाद ही ये वाला फ्रैक्शन इससे फ्री होगा, किससे, वेरिएबल से। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो बन जाएगा 5x/2 दैट इज इक्वल टू -7/12। ये उधर शिफ्ट होगा फ्रैक्शन, तो साइन चेंज हो जाएगा -2/3। ठीक है, 5x/2 एज इट इज रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर को कॉमन इक्वल बनाना पड़ेगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है, तो 12 हमारा यहाँ पर एलसीएम आया है, तो हम यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 7 × -7, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा -8। सो दैट इज इक्वल टू 5x/2, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन बिगर वैल्यू का आएगा, तो आएगा -15/12। ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, सो ये होगा 5 टाइम्स में, ये होगा 4 टाइम्स में, तो 5x/2 सो दैट इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, अब ये एक्स से फ्रैक्शन दूर जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहां पर, और 5 यहां पर डिनोमिनेटर में जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू -5/2/4/5। ठीक है, तो अब यहां पर कैंसिल हो सकता है ये और ये कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स में, 2 और 4 कैंसिल होंगे 2 टाइम्स में, तो एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना थी एक्स की, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना था, वो है एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो आप इसे देखिएगा, यही मेरा कैलकुलेशन था। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।